तो फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताएं किसके यहाँ से पोछा लगता है। जैसे कि मेरी बेटी लगा रही है, अब बड़ी हो गई है, अब हमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये देखो पोछा कितना खुश हो पोछा लगा के। What? पढ़ाई नहीं करनी? नहीं, पोछा करना है। पढ़ाई करनी है, पोछा भी करना है। अच्छा, दोनों चीज़। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि एक नया चीज़ देखने को मिला है कि पोछा इस तरीके से लगाते हैं। देखो, वाह, वेरी नाइस। पूरी धरती साफ हो गई। धरती की जमीन, फर्श, ऐसे पोछा, वाह। चलो ठीक है, रखो अभी, छोड़ो बेटा, मैं लगा दूंगी ना बाबू, छोड़ दो। नहीं, ब्लॉग चालू है, बताना। चालू है ब्लॉग। ओ गाइस, बहुत सा लग रहा है। मैं कह रही हूँ कि बेटा मैं लगा दूंगी, कि नहीं मम्मा आज मेरा छुट्टी है तो मैं आज आपका घर का काम करूंगी। ये देखो, आज शाम को जाऊंगी ना मैं, तो शाम को जाओगे स्कूल, तो अभी पोछा लगा के जाओगे। हाँ। छोड़ दो, मैं लगा दूंगी। नहीं, अब बताओ किसके घर में ऐसे पोछा लगता है? आपके यहाँ लगता है? मेरे घर में ऐसे पोछा लगता है, देखो ये पोछा लग रहा है। किसी को सीखना है पोछा लगाना तो यहाँ से सीख लो ये नया तरीका है पोछा लगाने का, क्या कहने। बहुत अच्छा बेटी, गुड जॉब। देखो आज इसका ना परफॉर्मेंस है, एनुअल डे फंक्शन है आज, और देखो इसका ना मूड ऑफ हो रहा है। देखो इसकी शक्ल देखो कुछ नहीं होगा। गाइज, आज मेरी बेटी का एनुअल डे फंक्शन है और मेरी लाड़ हो गई तैयार और लग रही है बड़ी क्यूटी सी और नर्वस भी हो रही है। आई कार्ड ठीक करो। ऑल द बेस्ट बाबू, मेरा बच्चा। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज है स्कूल में बच्चों के पीटीएम और मैं जा रही हूँ पीटीएम में, और मैं हो गई हूँ बहुत लेट और फंक्शन स्टार्ट हो गया होगा, तो मैं जाती हूँ जल्दी स्कूटी से, और बेटा रह गया मेरा। बेटी तो गई, बेटी का परफॉर्मेंस इसका नहीं है, तो बस अभी मैं निकलती हूँ और कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, देखते हैं कैसा फंक्शन रहता है क्या है। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे स्कूल में। हम लोग पहुँच गए स्कूल और ये है एंट्री। चलो आरब, चलो आरब जा रहा है आगे आगे। आरब चलो आगे आगे, प्रोग्राम स्टार्ट हो गए क्या? शायद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पता नहीं ये क्या बना रखा है, एनुअल डे, ये कुछ आर्टिफिशियल गिफ्ट है। अच्छा लग रहा है, अभी बहुत कम लोग आए हैं, बट ये है कि हाँ स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा था मैं निकल ना जाऊँ, कहीं लेट होगी तो। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मी पापा नहीं आए? अरे आ जाएंगे आज, रोते नहीं है। पहुंच गई हूँ फ्रेंड में और अरब की मैम ने मुझे मिलने बुलाया है, तो देखते हैं क्या हुआ, किस लिए बुला रही हैं, बात करते हैं जाके। फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लोग आ रहे हैं। चलो तैयार हो रहे, कितने अच्छे अरब को रेडी कर रहे, प्यारे प्यारे। चलो मैं बाहर वेट करती हूँ। बहुत सारा ग्रीनरी है। अच्छा अच्छा, समय का पहिया कभी इर्द गिर्द घूमता है और कभी दूर आसमान छूमता है। पार्टिसिपेट किया हुआ है तो बेटा आपको स्कूल जा रहे हैं, और मैम ने क्या बोला है कि आपको छुट्टी नहीं करनी है और आप एग्जाम भी तो आने वाले हैं, तो बेटा सो जाओ, मम्मा को परेशान मत करो, सो जाओ, गुड गर्ल। ओके मम्मा। Thank you.
Let us start with our first rasa, that is Karun Rasa, one of the Nav Rasas. This rasa is the manifestation of sorrow, pain, sadness and bitterness that the character experiences as a result. देखो ये पेड़ अच्छा लग रहा है, इसे काट लेता हूँ। नहीं पापा, इसे मत काटो, देखो ना इस पर कितनी सारी चिड़ियाँ और उसके बच्चे हैं। अगर आप काट दोगे तो ये सब पक्षी कहाँ जाएंगे। पापा मत काटो, इस पेड़ को मत काटो। ठीक है, तुम कहते हो तो नहीं काटते हैं, चलो। आठ दिन बाद। अरे ये पेड़ तो कितना सुंदर लग रहा है, कितने सारे फल और फूल लगे हुए हैं। हाँ पापा, देखो कितने सारे जानवर इसके फल और फूल खा रहे हैं। तितलियाँ, मधुमक्खियाँ सब अपना अपना खाना ले रहे हैं। पापा हमें इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए, अगर इसे काटा तो ये सब पशु पक्षी भूखे मर जाएंगे। बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। ठीक कहा तुमने बेटा, अगर ये पेड़ ऐसे ही काटते रहे तो ये सब जानवर पक्षी कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। कौन हमें ताजा हवा देगा, हम किसके नीचे आराम करेंगे। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और सबको प्रेम से जीने देना चाहिए।